हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएल। अभी हम देखेंगे ब्लैक बॉक्स ऑन एयरक्राफ्ट। सो ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो ये अभी न्यूज में खींच ली है एंड इसका जो है ब्लैक बॉक्स क्या रिक्वायरमेंट है एयरक्राफ्ट में, ओके एंड हमें ये क्यों चाहिए पूरा डिटेल्स में देखेंगे। सो चलिए देखते हैं। सो न्यूज में किस लिए है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स ऑफ द बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट जो कि कुछ दिन पहले अभी क्रैश्ड हुआ था, कहाँ पे, कोझिकोड केरला में, उसका जो ब्लैक बॉक्स अभी मिला है इन्वेस्टिगेटर को, ठीक है। सो ये जो बॉक्स है इसके द्वारा इन्वेस्टिगेटर क्या है ना, इसमें जो रहता है गैदर ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है उसको लेके क्रूशियल इवेंट दैट लीड टू क्रैश, कौन सा जो क्रूशियल इवेंट है, ओके इवेंट्स होता है जो कि ये क्रैश हुआ है। सो इसमें क्या है ना रिकॉर्ड होकर रहता है ब्लैक बॉक्स में। अबाउट ब्लैक बॉक्स रखेंगे, ब्लैक बॉक्स का जो है टेक्निकली क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, ये एक ऑरेंज कलर का रहता है जो कि हेविली प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है, जो कि रिकॉर्डिंग डिवाइस जो कि प्लेस्ड इन ए फ्लाइट, कहाँ पे रहता है, फ्लाइट में रहता है, बट ये क्या है ना हेविली प्रोटेक्टेड रहता है। इट इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स इमिडिएटली जो कि प्रीसीडिंग जो कि एक्सीडेंट, कोई भी जो कि एक्सीडेंट होता है एयरक्राफ्ट में, सो पहले जाके क्या है ना उस जो ब्लैक बॉक्स है उसको ढूंढते हैं। उसको मिलने के बाद उसमें से जो कि डाटा रहता है, ठीक है, उस डाटा की सहायता से हम ये जान सकते हैं ये फ्लाइट किस लिए क्रैश हुआ है। सो ब्लैक बॉक्स जो है कॉमनली ऑन एनी कमर्शियल फ्लाइट में रहता है, कॉर्पोरेट जेट्स में रहता है, फिर इज द केप्ट इन द टेल ऑफ एयरक्राफ्ट में रहता है, ओके यूजुअली कहाँ पे रहता है ना टेल ऑफ एयरक्राफ्ट में रहता है, एंड व्हेन दे आर मोर लाइकली टू सर्वाइव ए क्रैश। सो ये जो ब्लैक बॉक्स है ये टेल में रखने का ये मतलब है एयरक्राफ्ट का जब क्रैश होता है, तो क्रैश होगा तो आगे से हो सकता है एंड इंजन जहाँ पे रहता है वहीं पे होता है, बट इसका जो टेल है वहाँ पे इतना अफेक्ट नहीं करता है। सो जब क्रैश होता है, ब्लास्ट होता है या कुछ होता है तो आग लग जाता है, सो देट क्या है ना जो टेल पर्सन थोड़ा सा बच जाता है। इट यूजुअली टेक एटलीस्ट 10-15 डेज टू एनालाइज द डाटा रिकवर्ड फ्रॉम द ब्लैक बॉक्स, ठीक है, कहीं पर भी क्रैश होता है कुछ भी होता है, सो वो जो ब्लैक बॉक्स है उसको लेके उसके बाद 10-15 डेज लगता है उसको एनालिसिस करने में डाटा को एंड रिकवरी करने में। ब्लैक बॉक्स है ऐसे कि नहीं ओनली जो कि एयरक्राफ्ट में यूज होता है बट अदर व्हीकल्स जैसे कि क्या है रेलवेज में, कार्स में, इसमें भी आजकल यूज होने लगा है। इन्वेंशन की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डेविड वॉरेन जो कि फर्स्ट इन्होंने एक बिल्ड किया था एफडीआर सीवीआर प्रोटोटाइप इन 1958। एफडीआर क्या है, सीडी जो कि सीवीआर क्या है इसके बारे में भी देखेंगे, ओके। सो एफडीआर जो होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर देता है एंड सीवीआर जो देता है कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर, मीन्स ब्लैक बॉक्स जो कि बॉक्स है ये मेड ऑफ टू सेपरेट पीसेस इक्विपमेंट में जो कि एफडीआर एंड सीवीआर। एफडीआर क्या करता है ना रिकॉर्ड करता है जैसे कि क्या है एयरक्राफ्ट का स्पीड, ठीक है, अल्टीट्यूड, वर्टिकल जो कि एक्सीलरेशन, फ्यूल फ्लो, ये सब एफडीआर रिकॉर्ड करता है, बट सीवीआर क्या करता है ना कन्वर्सेशन जो है इन ए कॉकपिट। टेक्नोलॉजी क्या है, ओल्डली ब्लैक बॉक्स जो है यूज होता था जिससे कि क्या है ना मैग्नेटिक टेप के तेरा, ये टेक्नोलॉजी दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1960s। मैग्नेटिक टेप वर्क्स लाइक इन टेप रिकॉर्डर, जैसे क्या है पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि टेप रिकॉर्डर होता है छोटा सा रहता है, ठीक है, उसके तरह का जो कि मैग्नेटिक स्ट्रिप रहता है उस तरह का जो है ये पहले जो ओल्डरली यूज करते थे उस तरह का था।
बट अभी प्रेजेंट डे में देखेंगे जो कि दुनिया कितना चेंजेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी में हाई हो रहा है, सो दैट ब्लैक बॉक्स जो है यूज सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड्स, ठीक है, व्हिच केम अलोंग विद 1990s सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड्स यूज्ड जो कि यूज स्टैक्ड एरिया ऑफ द मेमोरी चिप्स एंड आर स्ट्रॉन्गर। सो बेसिकली एक छोटा सा जैसे मेमोरी चिप्स रहता है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्गर रहता है, क्योंकि आप देखोगे कहीं ब्लास्ट होता है उसमें से आग निकलता है एंड साउंड्स निकलता है एंड उसका जो फोर्स है, ठीक है, उसके सहायता से ये मेमोरी चिप जो है ये टूट सकता है या कुछ भी हो सकता है। सो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है एक सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड बनाया, जिसके सहायता से क्या है ना इसको बचा सकते हैं, मीन्स वो जो मेमोरी बोर्ड है वो बच सकता है। FDR contains जो कि है क्रैश सर्वाइवेबल मेमोरी यूनिट विच आर इंजीनियर्ड टू द विदस्टैंड एक्सट्रीम हीट जेरिंग क्रास्ट एंड टॉन्स ऑफ द प्रेशर। अभी जो मैंने बताया टू मेक ब्लैक बॉक्सेस डिस्कवरेबल इन द सिचुएशन वेयर दे आर अंडर वाटर, ओके, सो दे आर द इक्विप्ड विथ बीकन है एंड दैट इज चेंज अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स फॉर द 30 डेज। आप एक बात सोचिए, जैसे कि क्या है कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है, सो एयरक्राफ्ट क्या होता है, सो यहाँ पे हम एक एयरक्राफ्ट देखेंगे, ओके, सो पेंटिंग तो इतना अच्छा नहीं है बट आप यहाँ पे देखोगे तो सपोज ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट क्या है क्रैश हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ना क्रैश हो गया, सो क्रैश होने से क्या हो गया, इसका जो पार्टिकल्स है यहाँ पे गिरेगा, 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 सो इस तरह का क्या है अलग अलग जगह पे गिरता है। सो उसमें से जो कि ये जो हमने बोला ब्लैक बॉक्स में जो है मेमोरी चिप है जो कि बहुत ही स्ट्रांग रहता है मेमोरी चिप, ओके, जो कि ये जो है ब्लैक बॉक्स, ठीक है, ये जो ब्लैक बॉक्स है वो कहाँ से मिलेगा, सो इसमें क्या होता है एक बीकन रहता है, ठीक है, सपोज ये हो गया मेमोरी चिप, ये मेमोरी चिप यहाँ पे पानी के अंदर गिरा है या और कहीं जंगल में गिरा है, वाटर और क्या है ना जंगल में गिरा है, तो इसको कैसे मिल सके, सो बेसिकली ये क्या होता है ना एक जो है अल्ट्रासाउंड जो है सिग्नल्स निकलता रहता है यहाँ से, सो दैट जो सर्च करने जाता है इसको फाउंड होता है इसको, ओके, इसको क्या है ना मिल जाता है, सो मिल जाने से क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे काम बन जाएगा, ओके, तो ये तो था जो कि मैंने बता दिया इसके बारे में। सो अदर मेथड्स टू इन्वेस्टिगेट एन एयरक्राफ्ट होता तो एक तो हो गया क्या है ये सपोज ट्राई किए मिला नहीं, ये कौन सा ब्लैक बॉक्स मिला नहीं, उसके बाद क्या कर सकते हैं ना जो कि ATC जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रहता है उस पर्सनल उनका जो कम्युनिकेशन रहता होगा उससे पता चलता है, देन रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द ATC एंड पायलट मोमेंट बिफोर द क्रैश उससे पता लग सकता है, वेरियस डाटा रिकॉर्ड्स ऑफ एयरपोर्ट which will tell about the precise point and speed of the touchdown on the runway also. Limitation देखेंगे certain cases जैसे कि क्या Malaysian Airlines MH370 flight they are not found. अभी तक मिला नहीं वो, ठीक है, तो उसमें से क्या करेंगे फिर, मिला नहीं तो ये वाला जो ATC वाला जो है alternative वो है उसमें से देखेंगे. They still lack video recording capability also. So alternative देखेंगे It is being tried to stream all the essential data directly to the ground base station in the real time, which would eliminate the desperate search of the box that may have been destroyed in the crash and will be the more dependable. Okay, so that's all. Thank you.